प्रिय अध्यापिका, मेरा नाम सिद्धार्थ दे है और मैं सेंट क्रिसा स्कूल के कक्षा 8वीं डी में पढ़ता हूँ। भगत सिंह इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम जिसके बलिदान की कहानियां हम और आप बचपन से सुनते और पढ़ते आए हैं। आइए आज मैं आपको भगत सिंह के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताता हूँ। पहला, भगत सिंह शादी नहीं करना चाहते थे। ऐसे में उनके परिवार वालों ने उन्हें शादी करने के लिए जबरदस्ती करी तो वो घर छोड़कर कानपुर चले गए। घर छोड़ते हुए उन्होंने ऐसा कहा कि अगर मेरा विवाह गुलाम भारत में हुआ तो मेरा वधु हमेशा मृत्यु ही रहेगा। दूसरा, उन्होंने सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए एक साजिश रची। उन्होंने ब्रिटिश अधीक्षक जेम्स कॉट की हत्या करने के बारे में सोचा, लेकिन पहचान गलत होने की वजह से उन्होंने जेम्स कॉट की जगह ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स सॉन्डर्स की हत्या कर दी। तीसरा, सिख होने के नाते भगत सिंह को उनकी दाढ़ी और बाल बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन उन्होंने अपनी दाढ़ी और बाल कटवा दी क्योंकि वह ब्रिटिश के हाथों नहीं लगना चाहते थे। ब्रिटिश अधिकारियों से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया। चौथा, जेम्स सॉन्डर्स की हत्या के करीब एक साल बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकवाए और इन कलाम जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन इस बार वह खुद को गिरफ्तार करना चाहते थे। पांचवा, जेल के अंदर भी भगत सिंह की क्रांतिकारी रवैया कायम रहा। उन्होंने आक्रामक तरीके से जेल के कैदियों को भी आजादी के लिए प्रेरित कर लिया। धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ, आपने काफी अच्छा ज्ञान दिया हमें भगत सिंह के बारे में। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सब अपनी कक्षाएं छोड़ सकते हैं। थैंक यू मैम।